हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं कुंदरू करेला। ये खाने में कड़वा भी नहीं होता और बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। इनको मैंने धोकर और लंबे लंबे पीसीज इनका कट कर, और मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं उनको भी मैंने कट कर लिया है, और मैंने एक बड़ा कच्चा आम लिया है उसको भी मैंने कट कर लिया है, और 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ली हैं उनको भी मैंने कट कर लिया है। चलिए अब हमें कुछ खड़े मसाले लेने हैं, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ, मेथी, कलौंजी, सरसों और 1 टेबलस्पून जीरा और हींग लिया है 1/2 टेबलस्पून। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में ये सरसों का तेल ले लिया है। अब अपने हम करेले को फ्राई कर लेंगे। स्लो स्लो गैस पे करेंगे, ज़्यादा तेज़ हम गैस नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे करेले ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे और हार्ड भी हो जाएंगे। चलिए अब हमारे करेले फ्राई होने लगे हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में अपने सारे मसाले डालेंगे जो हमने खड़े मसाले लिए थे। पहले हम मिक्स मसाले डालेंगे, अब हम अपना जीरा डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे अपनी हींग। अब हमारे मसाले थोड़े से तड़क चुके हैं, अब हम डाल देते हैं अपने प्याज जो हमने कट किए थे। अब इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे हल्का ब्राउन हो जाने तक। चलिए अब हमारे प्याज थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम अपने हरी मिर्च और कच्चे आम को भी डाल लेंगे इसी में और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब हम अपने मसाले ऐड कर लेते हैं इसी में। मैंने 1 स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 स्पून जीरा पाउडर लिया है, 1/2 स्पून धनिया पाउडर लिया है, और जो नमक है वो हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें, और ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। हमने अपने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हमने जो अपने करेले फ्राई किए थे अब हम उन्हें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम अपने करेलों को 10 मिनट के लिए स्लो गैस पे ढक कर रख देंगे। चलिए अब 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने करेलों को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे से कट रहे हैं हमारे करेले, तो यानी कि अब हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।